गाइस, आज से एक हफ्ते पहले ही एक कंट्रोवर्शियल मूवी रिलीज हुई थी, द केरला स्टोरी। इस मूवी पे काफी सारे आरोप लगे, इवन FIR भी दर्ज की गई थी मूवी के टीजर पर केरला के DGP अनिल कंठ के तरफ से। बिकॉज उनका कहना था कि मूवी में केरला स्टेट को टेररिस्ट सेफेस्ट प्लेस के रूप में पोर्ट्रे किया गया है। इसके अलावा मूवी में एक सेंटेंस भी यूज किया गया है कि केरला की 32,000 औरतों को ISIS में रिक्रूट किया गया था। पूरे भारत में इस मूवी को लेके बहुत ज्यादा हाइप है कि मूवी सही है या गलत है, इसे देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। वेल हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द हिस्टोरिक वर्ल्ड में। मैं हूँ आपकी होस्ट सैमी और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी द केरला स्टोरी के बारे में कि कैसे ये मूवी बहुत से राज्यों में बैन है और इस मूवी से लोगों पे क्या असर हुआ है। वेल, सबसे पहली बार मूवी पे सवाल उठाया गया था और मूवी की रिलीज को रोकने के लिए भी कहा गया था, तब तक जब तक कि मूवी के मेकर्स इस बात का सबूत पेश नहीं करते कि 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं। पर मूवी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन इस बात को टालते रहे। भारत के कुछ स्टेट्स में इस मूवी के रिलीज पे रोक लगा दी गई है, जैसे वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी जी ने मूवी को पूरे स्टेट में रिलीज होने से बैन कर दिया है, नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने के लिए और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए। इसके अलावा तमिलनाडु में भी मूवी के रिलीज पे बैन लगा दिया गया है। तमिलनाडु के मल्टीप्लेक्स के हेड ने मूवी रिलीज करने से मना कर दिया है अनवांटेड वायलेंस से बचने के लिए। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन स्टेट में मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इन दोनों राज्यों के CM शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि मूवी में सच्चाई दिखाई गई है और सबको पता होना चाहिए कि कैसे औरतों को फंसा कर उनका फोर्स कन्वर्शन किया जाता है। पर गाइज, एक बात ये भी फैक्ट है कि मूवी का पूरा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था वो एक सेंटेंस जहां मेकर्स ने मेंशन किया था कि 32,000 औरतों को ISIS में लाया गया था ब्रेन वॉश करके, क्योंकि 32,000 नंबर कोई छोटा नंबर नहीं है। पर जब आप मूवी देखेंगे तो एक चीज आपको क्लियर होगी कि पूरी मूवी सिर्फ 3 लड़कियों के कहानी के ऊपर बनाई गई है। मूवी के टीजर रिलीज के बाद बहुत से आरोप लगे मूवी और इसके मेकर्स पर। पर अगर अभी आप जाके मूवी के टीजर को दोबारा देखेंगे तो टीजर से वो नंबर हटा दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया गया है कि ये मूवी सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी के ऊपर बेस्ड है। वेल, इतने सारे कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद भी मूवी ने अच्छा खासा कलेक्शन किया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के हिसाब से मूवी की 7 डेज की कलेक्शन 80 करोड़ हो गई है और जल्द ही ये मूवी 100 करोड़ कमा लेगी। मूवी देखने गए लोगों के रिव्यू सुनकर ये समझा जा सकता है कि लोगों पे इस मूवी का क्या असर हुआ है। और उसके साथ साथ जो सीन है बहुत ही दिल दहलाने वाले हैं, बहुत ही शॉकिंग है। फिल्म बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत ही मतलब अच्छी लगी और सबसे बड़ी बात यह कि फिल्म आनी चाहिए थी, एक्चुअली देखना चाहिए था। उनके मुंह में जूता है बिल्कुल। मूवी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा संदेश दे रही है। अगर अभी हर लड़की को देखना चाहिए, हिंदू अगर अभी भी नहीं समझा तो फिर कभी नहीं समझ सकता। कुछ लोग कह रहे हैं बायकॉट कर दो चूतिया जो वेंचुरिया। मूवी ने अपने टीजर रिलीज से लेकर अब तक लोगों के दिमाग में अपनी एक जगह बना ली है और आने वाले दिनों में ये मूवी कहाँ पहुँचती है ये चीज देखने लायक होगी। सो गाइज, इस मूवी को लेके आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर से बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।